हेलो व्यूअर, आज हम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लाए हैं जिन लोगों को टेक कंपनी में जॉब करना है। अगर वो टेक कंपनीज के बारे ही में नहीं जानेंगे तो वो किस तरह से काम कर पाएंगे, और जब आपको उसके बारे में पता होगा तो आप ज़्यादा मेहनत से काम करेंगे और उसमें जॉब पाने के लिए आप उत्साहित होंगे। सो टॉप 10 बिगेस्ट टेक कंपनीज इन द वर्ल्ड 2021 ranking explore for future. So just started. Today I will tell you about the world's biggest technology companies that rule the world in 2021. The list includes the largest companies from different fields of digital industries like software, hardware, media, e-commerce, टेलीकम्युनिकेशन एंड अदर। अब टेक कंपनी में क्या क्या आता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मीडिया, ई कॉमर्स, टेलीकम्युनिकेशन, यही सब तो आता है। द रैंकिंग इज बेस्ड ऑन द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द डिजिटल जायंट। अब मार्केट के कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे जिसको डिवाइड किया गया है, इसमें फर्स्ट कंपनी एप्पल है जो 2.169 trillion रेवेन्यू करती है। इंडस्ट्री हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस समय फर्स्ट रैंक पे एप्पल है जो एनुअल रेवेन्यू 274 बिलियन करती है, जिसमें 147,000 एम्प्लॉयज हैं। टूडेज एप्पल इज द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द टेक सेक्टर इन टर्म ऑफ मार्केट कैप capitalization basis, which is about $2.169 trillion. It is also the world's most profitable digital company with annual revenue of $274 billion. The company was established in April 1976 by three people. Initially, they started with producing home computers एंड प्रोपराइटरी मॉडल ऑफ PC। पहले शुरू में कंप्यूटर स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में उन लोगों को तब सक्सेस मिली जब उन्होंने आईफोन बनाया, स्मार्टफोन, और अब वो स्मार्टफोन कंप्यूटर्स लैपटॉप टैबलेट और पर काम कर रहे हैं। एप्पल का हेडक्वार्टर USA में है, तो आप उसी समझ लीजिए कितना एडवांस होगा। सेकेंड है माइक्रोसॉफ्ट जो 1.611 trillion का रेवेन्यू करता है। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कंप्यूटिंग पर काम करता है। आपने क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम तो सुना ही होगा, जिसमें आपको अपने पास कुछ भी डिवाइसेस नहीं रखने पड़ते हैं, पर आप सब कुछ यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो उसका एनुअल रेवेन्यू 143 बिलियन है, जिसमें 163,000 एम्प्लॉयज हैं, और ये सेकेंड लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनी है और इंटरनेशनली फेमस है। और 1975 में बिल गेट ने एंड पॉल एलन ने इसे बनाया था, और ये पीसी बना सॉफ्टवेयर फॉर They suggest using package software for home computers to make PC experience easy, which is user friendly. Microsoft आप लोग सभी use करते हैं, जो आपको पता है कि वो user friendly है, सिर्फ क्लिक करने से काम हो जाता। पहले हम लोगों को कमांड याद करना पड़ता था। Microsoft offer operating system for computer, server, home, intelligent gadget as well as productivity applications, business solution app, management and development tool, games. अगर Microsoft की facility ना हो तो क्या आप computer पे काम कर सकते हैं? वो सारे के लिए operating system provide करता है, और बिना Microsoft window के आप काम ही नहीं कर सकते। The company is now focusing on innovative technologies such as machine learning, artificial intelligence and cloud computing. Artificial intelligence आपको पता ही है कितना ज़्यादा important है। Third company है Amazon, 1.569 trillion का revenue करती है, और इसमें 798,000 आदमी काम करते हैं। और Amazon कौन नहीं जानता आजकल,
टेक दुनिया का राजा, टेक थर्ड प्लेस ऑन आवर रेटिंग बाय मार्केट वैल्यू, इट हैज हाईएस्ट एम्प्लॉय नंबर इन द टेक सेक्टर एज वेल, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज इसी में है टेक सेक्टर में. सम मे से द अमेज़न इज मोर ऑफ रिटेल सेलर देन अ टेक कंपनी. टेक कंपनी की जगह ये रिटेल सेलर कंपनी है जिसको देखो वो अमेज़न से एफिलिएशन करके सामान को बेचता रहता है. इट हैज अ कंप्यूटिंग डिवीजन दैट ब्रिंग्स अबाउट 15% ऑफ रेवेन्यू एनुअली. एंड लेट नॉट फॉरगेट दैट द मेन प्रोडक्ट ऑफ कंपनी इज द ऑनलाइन शॉपिंग सर्विस. और इसका मेन प्रोडक्ट क्या हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग लोग अमेजोन से करते हैं, चाहे किसी टाइप का प्रोडक्ट आप वहाँ से खरीद सकते हैं. इट्स हेल्प स्टार्ट अप एंटरप्राइजिंग गवर्नमेंट एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन टू क्रिएट एनी टाइप ऑफ बिजनेस ऑनलाइन बाय प्रोवाइडिंग देम विद अ कंप्यूटर स्टोरेज डेटाबेस एंड अदर टेक सर्विस. और हर तरह की टेक सर्विस प्रोवाइड करता है जिससे कोई भी ऑनलाइन अपने बिजनेस को डेवलप कर सकता है. बिसाइड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एलेक्सा डिवाइसेस विच हैव ऑलरेडी फाउंड देयर होम्स. अब एलेक्सा डिवाइस तो सभी आजकल जानते होंगे कि जो आपके बहुत से काम को सिर्फ बोलने से कर देता है. और हमने एलेक्सा डिवाइस बनाई भी थी, आप लोगों को पाइथन में बनाकर सिखाया था कि कैसे वो काम करता है. द कंपनी वॉज एस्टेब्लिश इन 1994 बाई Jeff Bezos and is a headquarter is settled in Washington. अब इसका headquarter कहाँ है, Washington में. और ये third place पे है. Fourth है Alphabet company है जो is for Google. जो आपको पता नहीं कि Alphabet company को वो कोई जानता ही नहीं था. बाद में इसको research and development software video game and biotechnology के लिए काम करता है. इसके 161 मिलियन रिवेन्यू है और 119,000 पीपल इसमें काम करते हैं. प्रोबेबली ऑलमोस्ट ऑल इंटरनेट यूजर हैव हर्ड अबाउट गूगल एट लीस्ट वंस. अब गूगल तो सभी सुनता है लेकिन अल्फाबेट के बारे में किसी ने नहीं सुना होगा. बट सम मे नो दैट द 2015 इंटरनेशनली फेमस इंटर जायंट चेंज्ड इट्स ऑफिशियल नेम टू अल्फाबेट इंक. At that time, the company was already out of scope of the Google search engine. Today, more than 30 people services sub-companies are part of the Alphabet holding. और इसके अब बहुत ढेर सारी services और sub-companies इसके part है. Beside the conglomerate owns a lot of interesting side projects such as Life Extension Company, Calico, और स्मार्ट सम प्रोजेक्ट नेस्ट, नॉट टू मेंशन द एंड्रॉयड ओएस. आल्सो अल्फाबेट ओन्स द गूगल वेंचर डिवीजन विच इन्वेस्ट स्टार्टअप. और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यूएसए में. फिफ्थ पोजीशन पे टेंसेंट है. टेंसेंट में भी इंटरनेट सर्च इंजन, सोशल नेटवर्किंग, वेब पोर्टल और ई कॉमर्स का काम करता है ये. इसमें $55 बिलियन का रेवेन्यू पर साल और एम्प्लॉई 63,000 हैं. दिस चाइनीज जॉइंट एस्टेब्लिश इन 1998 इज अ वेंचर कंपनी, अ कंग्लोमरेट, एन इन्वेस्टमेंट होल्डिंग एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी इन द गेमिंग इंडस्ट्री. अब टेंशन किसके लिए जानी जाती है, गेमिंग इंडस्ट्री के लिए. विच इज अ लीग ऑफ लेजेंड with its League of Legends, Arena of Valor and Fortnite. ये सब गेम्स हैं जिसके बारे में जिसके लिए वो जाना जाता है. Its product include e-commerce platform, social network and web portal, payment system, internet service, mobile and multiplayer game and smartphones, which are among the most successful in their category. अब इन सब चीज़ों में उनको बहुत अधिक सक्सेस मिली. More than 1 billion people actively use Tencent online service every day. The company got the right to exclusively distribute James Bond and Star Wars franchise in China. और उनको फ्रेंचाइज चाइना से मिली हुई है दो गेम्स के लिए. इसका हेडक्वार्टर सेंजन में है. सिक्स पोजिशन पे आता है फेसबुक. और इनको कौन नहीं जाता है,
सोशल मीडिया ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, रोज लोग फेसबुक पर लगे रहते हैं। एनुअल इनकम इसकी $71 बिलियन है और इसमें 45,000 एम्प्लॉयज हैं। फेसबुक इज़ द वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रांड्स वर्ल्ड वाइड। इंडीड द मार्केट वैल्यू इज $764 बिलियन इज एन एस्ट्रोनॉमिकल इंडिकेटर ऑफ पॉपुलरिटी फॉर इंटरनेट प्रोजेक्ट। Facebook was developed by Mark Zuckerberg in February 2004, और इनको कौन नहीं जानता है। The social network is currently visited by more than 2 billion people every day, which might be the limit in their global growth as some people say. और 2 billion लोग इसको रोज देखते हैं। In recent year, company focused on another way to grow, specifically on acquisition. अब दूसरी तरह से इन्होंने क्या सोचा, टुडे फेसबुक इंक ओन्स अ लॉट ऑफ अदर पॉपुलर प्रोजेक्ट अमंग विच इज इंस्टाग्राम, मैसेंजर और व्हाट्सएप। इन सबको उन्होंने ओकुलस वीआर, इन सबको उन्होंने ओन कर लिया है। फेसबुक हेडक्वार्टर इन कैलिफोर्निया यूएसए मेलन पार्क। सेवेंथ पोजीशन पे अलीबाबा ग्रुप है जो 636 बिलियन रेवेन्यू कमाता है और ये इंटरनेट, ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल मीडिया इन के लिए जाना जाता है। इसमें 117,600 लोग काम करते हैं और ये लार्जेस्ट वर्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इन चाइना है। ये फाउंडेड इन 1999 और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, चाइना में है। और अगर ये थोड़ा सी और डेवलप हो गया तो अमेजोन को टक्कर देगा। एट पोजीशन पर TSMC है जिसके जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, अब सेमीकंडक्टर आप लोग जानते होंगे, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो 39 बिलियन रेवेन्यू कमाती है, 51,300 एम्प्लॉय है इसमें। ये सर्किट मैन्युफैक्चर भी करता है। सेमी कंडक्टर क्या होता है, जितने भी आपके बोर्ड कंप्यूटर में या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगे होते हैं उसमें सेमी कंडक्टर लगा रहता है। इसको 1987 में मॉरिस चैंग ने स्टार्ट किया था और एडवांस माइक्रो डिवाइसेस बनाए थे इसमें, और जिसकी वजह से लोग जो डिवाइसेस थे वो और अच्छे होते गए और छोटे ज़्यादा बेनिफिशियल और छोटे फॉर्म में होते गए। तो इन्होंने TMC टेक्स द चिप मेकर्स डिज़ाइन एंड क्रिएट अ रिस्पेक्टिव टेक्नोलॉजी फॉर देम एंड इट हैज़ ऑल रिक्वायर्ड इक्विपमेंट, डज इट प्रिटी वेल इन टर्म ऑफ क्वालिटी। और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छे इन्होंने प्रोडक्ट बनाए। NVIDIA जो $327 रेवेन्यू करता है, ये सेमी कंडक्टर, वीडियो गेम, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर हार्डवेयर पर काम करता है। ये 11 बिलियंस को रेवेन्यू करता है और 13,775 एम्प्लॉयज हैं। वन ऑफ द ग्राफिक प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर वर्ल्ड वाइड, प्रोवाइडिंग फास्टेस्ट GPU अवेलेबल फॉर PCs, मोबाइल डिवाइस, गेम्स कंसोल एंड वर्क स्टेशन। इतनी चीज़ें ये देता है। द कंपनी हैड इट्स फर्स्ट सक्सेस विद कंप्यूटर गेमिंग मार्केट, लेकिन इसको फर्स्ट सक्सेस गेमिंग मार्केट से मिली। टुडे NVIDIA इज अ वेल नोन इन गेमिंग प्रोफेशन, डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, क्रिएटिव एप्लीकेशन, AI, डेटा सेंटर एंड टेक सेक्टर। It also offers system on chip unit and processor division, develop different type of chip incorporating GPU and multi-core CPU for autonomous robots, drones, ये सारे चीज़ें, medical instrument, ये सब चीज़ों के लिए ये जाना है। AI, cryptocurrency, mining and self-driving cars, सबसे बड़ा चीज़ इनका क्या था, इन्होंने their company developed the world first functional safe self driving platform, यहाँ पर अपने से कार चल सकती है
और इसका हेडक्वार्टर सांता क्लारा कैलिफोर्निया यूएस में। नेक्स्ट है सैमसंग, जो इलेक्ट्रॉनिक हाउसहोल्ड अप्लायंसेस शिप बिल्डिंग एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग में काम करता है। ये 199 बिलियन डॉलर रेवेन्यू करता है। 2,87,400 पीपल इसमें काम करते हैं। सैमसंग ग्लोबली नोन एज अ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्रोड्यूसर इवन दो इट इज अ ह्यूज प्राइवेट कॉन्ग्लोमरेट प्रेजेंट इन अ वेरियस इंडस्ट्री फ्रॉम शिप एयरक्राफ्ट बिल्डिंग टू लाइफ इंश्योरेंस। इसकी 3 टेक्नोलॉजी डिवीजन है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मोबाइल कम्युनिकेशन। तो मोबाइल तो जिसको देखे वही यूज करता है सैमसंग का, और बहुत ही फेमस है ये। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया। तो ये बहुत ही फेमस बिगेस्ट ओपोनेंट ऑफ मोबाइल मार्केट विथ इट्स गैलेक्सी स्मार्टफोन टैबलेट और एप्पल को टक्कर देता है। इट रीसेंट ईयर अ ग्रेट पार्ट ऑफ सैमसंग रेवेन्यू वॉज स्मार्टफोन रिलेटेड, और एप्पल के बाद इसी का नाम आता है। सो दिस इज ऑल टूडे एंड देर इज अ मोर लिस्ट ऑफ कंपनीज। 11वें पे डिजनीलैंड है, 12th पे इंटेल है, 13th पे वेरिजॉन है, 14th पे कॉमकास्ट है, 15th पे एडोब है, 16th पे एटीटी है, 17th पे सेल्स फोर्स है, सिस्को सिस्टम 18 पे, 19 पे ओरेकल कॉरपोरेशन है, और 20 पे चाइना मोबाइल है। और ये इतना कमाता है और इतने प्रोडक्ट्स पे ये सब प्रोडक्ट्स पे वो काम करते हैं। तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है अगर फ्यूचर में आपको इन कंपनीज में काम करना है। सो थैंक यू व्यूअर, दिस इज ऑल टुडे। इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक